हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम टॉर्च टेस्ट क्या होता है और उसका फर्टिलिटी को लेके इम्पॉर्टेंस क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। सी, टॉर्च बेसिकली स्टैंड्स फॉर TORCH। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो ये बेसिकली है टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, आर फॉर रुबेला, सी फॉर साइटो मेगालोवायरस। ये सब मेडिकल वायरसेस है, ओके, हर्पीस, ओके, ये एक पैरासाइट है, टॉक्सोप्लाज्मा इज अ पैरासाइट, एंड ओ इज फॉर अदर्स, राइट। इस पूरे चीज में अगर आप देखेंगे तो जो रिपोर्ट आपको इश्यू होते हैं वो हमेशा ऐसे इश्यू होते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस IgG IgM। आप कभी आपके रिपोर्ट्स चेक करना, रुबेला IgG IgM, साइटोमेगालोवायरस IgG IgM और हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस IgG IgM। अब सबसे पहली चीज लोगों को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉर्च टेस्ट का इनफर्टिलिटी के साथ में कोई संबंध नहीं है, राइट। टॉर्च रिपोर्ट और फर्टिलिटी का एक दूसरे के साथ में कोई भी संबंध नहीं है। सेकंड, लोगों को यह समझना है कि IgG का रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आता है या IgG रिपोर्ट्स, रुबेला IgG पॉजिटिव, साइटोमेगालोवायरस IgG पॉजिटिव, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप समझ रहे हो, अगर आपका IgG का रिपोर्ट पॉजिटिव आया मतलब आपके बॉडी में उस चीज का प्रोटेक्शन अवेलेबल है। तो जब कभी भी IgG पॉजिटिव आता है, अक्सर हम ये देखते हैं पेशेंट्स भयंकर टेंशन लेते हैं, ओके, डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज करके भागते रहते हैं, अरे कुछ दवाई दे दो, IgG पॉजिटिव आया, अब IgG पॉजिटिव आया तो अब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। एकदम गलत। IgG पॉजिटिव आना रिपोर्ट में आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए प्लीज इस चीज का टेंशन मत लीजिए। ऑलराइट, मान के चलिए किसी का IgM पॉजिटिव है, दैट मींस IgM जब पॉजिटिव है तो आपको जाके आपके डॉक्टर को दिखाना है। ऑलराइट, मैं वापस आपको लिख के देता हूं कि अगर IgG का वैल्यू पॉजिटिव आया देन यू शुड बी हैप्पी, ऑलराइट, और अगर IgM का वैल्यू पॉजिटिव आया देन यू मस्ट शो योर डॉक्टर, ओके। इससे ज्यादा इस चीज में प्लीज ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि IgG या IgM का पॉजिटिव होने से आपके प्रेग्नेंट होने पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता, इट डज नॉट क्रिएट इनफर्टिलिटी। ऑलराइट, लोगों के मन में यह डर रहता है कि अगर उनका टॉर्च का टेस्ट पॉजिटिव आता है, दैट मींस IgG पॉजिटिव आता है, तो उससे एबॉर्शन हो जाएगा। यह बात एब्सोल्यूटली गलत है, एब्सोल्यूट गलत, ओके। इनफैक्ट काफी सारे एसोसिएशंस के गाइडलाइंस के हिसाब से टॉर्च टेस्ट शुड नो लॉन्गर बी डन फॉर पेशेंट्स विद फर्टिलिटी। मतलब कोई भी पेशेंट जो प्रेग्नेंट होने की इच्छा रखता है उनमें टॉर्च टेस्ट करवाना जरा भी जरूरी नहीं है। बट हमारी कंट्री में काफी ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स ऐसे हैं जो अभी भी ये टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट करवाने के बाद लोगों को दवाई देते हैं, दवाई देने के बाद अगर कोई प्रेग्नेंट हो गया तो बोलते देखो मैंने दवाई दी थी अब आप प्रेग्नेंट हो गए। ये बात एकदम गलत है। आप वैसे भी प्रेग्नेंट होने वाले थे, आप दवाई लो या आप दवाई ना लो, ठीक है। सो एज अ पेशेंट अगर आपको फर्टिलिटी का इश्यू है तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि टॉर्च टेस्ट करवाना आपके लिए जरा भी मैंडेटरी नहीं है। एनी फर्दर क्वेश्चंस टू दिस आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।